सो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्सॉन और इको स्पोर्ट्स की ड्रैग रेस। यस, वी विल सी के फास्टेस्ट अमंग दीज टू कार्स कौन सी है, इको स्पोर्ट्स ज्यादा फास्ट है या नेक्सॉन ज्यादा फास्ट है। नेक्सॉन का हमारे पास है ऑटोमेटिक वर्जन, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक, एक बार ऑटोमेटिक के साथ ड्रैग रेस करेंगे एंड देन फिर उसका मैनुअल वर्जन के साथ ड्रैग रेस करेंगे एंड देन एक फाइनल राउंड होगा। तीन राउंडों के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी है ज्यादा फास्टेस्ट। ठीक है, मेरे साथ है मेरा ब्रदर, वो उस गाड़ी को ड्राइव करेगा एंड मैं कर रहा हूँ इको स्पोर्ट। ठीक है, सो लेट्स सी कैसी रहती है ड्रैग रेस। मेरे साथ है मिस्टर संदीप। हाँ जी, आर यू एक्साइटेड? यस यस, वेरी मच एक्साइटेड। सो कैसा लग रहा है, मतलब क्या लगता है, नेक्सॉन जीतेगी या फिर इको स्पोर्ट जीतेगी? देखो, मैंने हारना नहीं सीखा है मगर गाड़ी का कुछ कह नहीं सकता। रेस करेंगे उसके बाद देखेंगे। चलो ठीक है, सो तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, थोड़ा ध्यान से, ट्रैफिक है। ठीक है, वन वन टू थ्री। पहले राउंड में जीत गई है नेक्सॉन, कोई समस्या नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट फिर भी 1500 सीसी होने के बाद भी इको स्पोर्ट रह गई पीछे। अब एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, एक बार पूछेंगे उनसे भी कि कहां क्या था, कुछ था, दिक्कत थी या क्या थी। ठीक है भाई, मैनुअल में चला रहे थे या ऑटोमेटिक पे? ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मोड। ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मोड में। सो इसके साथ नेक्सॉन जीत गई है फर्स्ट राउंड में और 400 मीटर के गैप से जीती है। 400 मीटर के गैप से जीती है। सो अब करते हैं सेकंड राउंड। अब ये होगा मैनुअल राउंड। ठीक है, मैनुअल राउंड में ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसी रहती है। देखो, 1 किलोमीटर का रन ठीक है, 100 मीटर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा 1 किलोमीटर के रन में पता लगेगा गाड़ी की क्या पिकअप है। डन डन डन। 100 मीटर तो हम खींचते खींचते गियर भी चेंज नहीं होता, तीसरा लगता है उतने में 100 मीटर खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, बोल रहा है नेक्सॉन जीत गई है फर्स्ट राउंड, अब करेंगे सेकंड राउंड। पता नहीं इको स्पोर्ट का क्या होगा। अब सेकंड राउंड में देखते हैं इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी, इज्जत वो इज्जत सपोर्ट की। सो गाइस लेट्स सी, ऑल द बेस्ट एंड 1 किलोमीटर मेरे हिसाब से फ्लाइवर चढ़ते चढ़ते 1 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, वन टू थ्री थ्री। आपका पिकअप बहुत अच्छा है। एक दिक्कत हो गई थी, डायरेक्ट फिफ्थ गियर में डल गई थी। तीसरा गियर मिस हो गया, डायरेक्ट फिफ्थ गियर में चली गई। मैं कह रहा, मैं कहीं ये चल क्यों नहीं रही, अच्छी वाली चल रही थी। लेकिन पता नहीं कौन सी हो गई। चलो मैं भी भूल गया था, फर्स्ट में पकाया थोड़ी देर। मुझे याद आया गियर बदलना है। ये वाला राउंड दोबारा से करेंगे। कैसे कर लेते हैं शुरू, देख लेते हैं। ठीक है चलो, अभी कुछ नहीं है पीछे। एक मिनट का मैं रिसेट कर लूं ऑटोमीटर। ठीक है, तो आई एम एट 0, थोड़ा उस साइड हो जा नहीं तो मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा। ठीक है, चले 1 2 3। ये वाला जो राउंड था बहुत स्पीडली गए और इसमें गियर्स भी नहीं अटके, तो इट वाज वेरी क्विक। इसमें मैनुअल गियर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आया, क्योंकि जब मैनुअली गियर चेंज नहीं करने पड़ रहे थे ना, तो गाड़ी खींच के जा रही थी गोली की तरह। हाँ, तो अब ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट में बहुत स्मूथ है। अब ऐसा करते हैं, इधर पे इसको ऐसा करते हैं कि
ये वाली गाड़ी मैं चलाता हूँ, वो वाली गाड़ी तुम चलाओ, और उसके बाद देखते हैं, शायद हो सकता है चलाने वलाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो। नहीं, वो फिर सीसी भी तो ज्यादा है। ये 1500 सीसी है, वो 1200 सीसी है, तो फिर उसके बाद भी बेचारी अपनी इज्जत बचा रही है ऑटोमेटिक में तो बचा के कुछ बनाओ। ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल विद एसी ड्रैग रेस करते हैं। अब फाइनल रेस, ठीक है, फाइनल रेस विद एसी, और इसमें आप देखेंगे फाइनल ड्रैग रेस में हम लोग विदेशी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। 24 डिग्री पे हमने अपना टेम्परेचर कर दिया सेट, देखो इधर 24 डिग्री पे हमने ये कर दिया है टेम्परेचर सेट। ठीक है, सो नेक्सॉन का भी सेट कर दिया गया है, लेट्स सी अब कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। आर यू रेडी मैन? आई एम रेडी। फैन अपना 1 पे कर लेना या 2 पे कर लो। फैन 2 पे कर लिया, ठीक है, ऑल सेट। ऑल सेट, बट लेट मी कम दैट साइड दिस साइड, ठीक है, ओके, बिकॉज थोड़ा फर्क होता है। चले गिर जाना था, कहीं ना गिर रहा, भूत बन जाना था भाई लोग, ड्रैग रेस मारी हो गई खत्म, और नेक्सॉन वर्सेस इको स्पोर्ट में क्या लगा भाई? फर्स्ट राउंड हमने किया था, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी गाड़ी क्या कर रही थी, मेरी जरूर ड्रैग कर रही थी इतने सीसी में बेचारी की जान निकल रही थी जान निकल रही थी, ठीक है, और मैं कैसे खींच के लाया हूँ इसको मुझे <बता। laughs> तो सीसी का बहुत फर्क है, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फर्स्ट ड्रैग रेस जो थी हमारी, फर्स्ट राउंड जो था उसमें ऐसा लगा कि इको स्पोर्ट एकदम से गई, उस टाइम पे इको स्पोर्ट चल रही थी ऑटोमेटिक प्लस स्पोर्ट्स मोड में, और उस राउंड में नेक्सॉन निकल गई थी आगे, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड बहुत बढ़िया लगा। सेकंड राउंड में जब हमारा जो था इको स्पोर्ट में तीसरे गियर के टाइम पे सीधा पांचवा गियर लग गया था, वैसे इको स्पोर्ट लीड कर रही थी लेकिन स्टिल गियर का थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो उसके बाद वो कहानी गचपच गचपच हो गई। ठीक है, अगेन मशीन अच्छी नहीं होती ड्राइवर अच्छा होता है अगेन इको स्पोर्ट जो है वो पीछे रह गई थी सेकेंड राउंड में, लेकिन लास्ट एंड फाइनल राउंड में हमने ठान ली, हमने सोचा कि बस अब और नहीं, तो बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, इसने नाइट्रो बूस्ट 1500 सीसी का इंजन मैं क्या भाई तू बेइज्जती कराएगा क्या 1500 सीसी का, 1200 सीसी से हारेगा क्या? तो भाई 1500 सीसी के इंजन में हमने उसे पूरे लोड के साथ एसी ऑन किया, मैंने मैनुअल चलाया, इनकी चली मैनुअल, एसी फुल ऑन लोड किया, और उसके बाद भाई हमने लगाई दोबारा से फाइनल राउंड की ड्रैग रेस, और उसमें अच्छा खासा गैप मेंटेन करके इको स्पोर्ट निकल गई आगे, लेकिन उसके बाद हमने थोड़े से ही डिस्टेंस में उसको रोक लिया था। रीजन इज कि हमारा जो वीडियोग्राफर था ना वो निकला हुआ था सनरूफ से बाहर, और हमें ऐसा प्रतीत हुआ था उड़ गया था, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उड़ सकता है इसलिए हमने ये हमारा वीडियोग्राफर देखा वीडियोग्राफर हमारा उड़ सकता था, सो इसलिए हमने रिस्क को बहुत जल्दी एनालिसिस कर लिया उसका, और हमने उसको वहीं रोक दिया। सो गाइस आई होप you like this video, this drag race, and I hope now you can also conclude with this video ke which car is good for you. So milte hain next video mein, isi ke sath is video close karte hain, love you guys.